गत दिनों बढ़ावली पंचायत में ग्राम सभा के दौरान हुए हंगामे पर पंचायत प्रधान सत्ता कायत ने कहा कि पंचायत के कुछ लोग हैं जो गलत कार्यों में संलिप्त हैं, जो जानबूझकर पंचायत के कार्यों में दखलअंदाजी कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने पंचायत कर्मचारियों के साथ भी बदसलूकी की है, जिसकी शिकायत रामपुर पुलिस थाना में कर दी गई है। साथ ही BDO और SDM को भी अवगत करवाया है। ग्राम सभा के दौरान लगे सभी आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। मैं सत्यकायत प्रधान ग्राम पंचायत बढ़ावली विकास खंड रामपुर 21 जुलाई को जो ग्राम सभा में एजेंडा रखा गया था उसका मेन मुद्दा था BPL की छंटनी। जब सरकार द्वारा आई गई गाइडलाइन हमने ग्राम सभा में पढ़ाई तो उसमें जो है ग्राम सुधार कमेटी सलाहटी वालों ने बहिष्कार किया कि ये गाइडलाइन ठीक नहीं है और उस पर जो है उन्होंने बदतमीजी की, नारेबाजी शुरू की और अपशब्द बोलने लगे। हमने ये उनको समझाया कि जब पहले एजेंडे पे बात होती है, जब एजेंडे से बात खत्म हो उसमें उसके बाद आपने जो है अपनी बात रखनी, लेकिन वो नहीं माने और नारेबाजी करने लगे, जिसके लिए मुझे ग्राम सभा को स्थगित करना पड़ा और मैं वहाँ से उठकर अपने ऑफिस चले गई। उनका मेन मुद्दा था कि जो शमशान घाट बने हैं 16 सतारा के, उस पर उन्होंने बात की, उसकी RTI लगी है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। जो लाइटों का था, लाइटों का भी वो पूरी जो है जांच करें कि कहाँ लगी है और पूरा हम उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ गांव में लगी लाइटें हैं। फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट की बात कही है तो हमने SDM साहब से भी बात की तो प्रोजेक्ट वालों ने यह बताया कि कोर्ट के ये ऑर्डर हैं, जब MPP की रिपोर्ट आएगी सेक्रेटरी द्वारा उसके बाद ही हम बात करेंगे।